हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 मोशन। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मोशन, व्हाट इज मोशन। देन हम जानने की कोशिश करेंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और बहुत से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो भाग मत जाना, पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पूरी वीडियो देखना। और चलो स्टार्ट करते हैं, पेन और नोटबुक लेके ही बैठना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। मोशन का बहुत ही सिंपल मीनिंग अगर मैं बोलूं जो तुम सबको पता होगा, मोशन मीन्स मूवमेंट। मूवमेंट, अपनी जगह से मूवमेंट, अपनी जगह से हिल जाना, अपनी जगह को चेंज कर देना, अपनी पोजीशन को चेंज कर देना, यही है मोशन। तो मोशन है चेंज ऑफ पोजीशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो इसका क्या सेंस है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो हमेशा चेंज हो रहा है ना, टाइम तो चेंज होता जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां पे आया तो मैंने पोजीशन तो चेंज की, लेकिन एक और चीज है जो चेंज हो गई, वो क्या है, वो टाइम है। क्योंकि टाइम तो हमेशा चेंज होता रहता है, टाइम तो कभी भी एक जगह रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है। तो मोशन है चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आया, तो ये है मोशन। तो देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion। एक ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब कहेंगे if it changes its position। अपनी पोजिशन चेंज कर ले, किसके साथ, टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, आपके लिए भी नहीं रुकेगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना, टाइम को यूज करना है अच्छे से, ठीक है। तो मोशन क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं चल रहा हूं, मोशन है, घड़ी की सुई चल रही है, मोशन है। ये मार्कर मैंने गिरा दिया, पोजीशन चेंज कर ली, टाइम भी चेंज हुआ, मोशन है। फैन चलाया, मोशन है। समझ में आया मोशन। तो अगर कोई चीज मोशन में नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज रेस्ट पे है। अगर मोशन नहीं है तो क्या है, रेस्ट है। समझ में आया। तो रेस्ट का मतलब क्या है कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेस्ट। समझ में आया, रुकी हुई बॉडी रेस्ट, चलती हुई बॉडी मोशन, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में मोशन को करेंगे इस चैप्टर में हम। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो एक कहानी सुनाता हूं आप लोगों को। मान लिया ये एक लड़का है और इसको पहुंचना है यहां पे। अपनी एक दोस्त के पास एक लड़का है, उसको अपनी एक, चलो अपने एक दोस्त के पास पहुंचना है उसको, तुम गलत मतलब ले लेते हो। चलो तो ये है एक लड़का, उसको अपने एक दोस्त के पास पहुंचना है, ठीक है। तो यहां से चला वो, यहां से चला 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 यहां पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहां पे उसको एक दुकान मिल गई और वो रुक गया वहां पे, ठीक है। कुछ खरीदेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, तो यहाँ पे उसने शॉप आ गई उसके पास, वो रुक गया यहाँ पे। अब यहां से वो चला अपने फ्रेंड के पास और यहाँ पे अपने फ्रेंड के पास वो पहुंच गया। मान लिया यहाँ पे है उसका घर, ये है उसका घर, और यहाँ पे वो पहुंच गया। मान लिया यहां से लेकर शॉप तक वो चला 20 मीटर, ठीक है, मीटर है ये, और शॉप से लेकर फ्रेंड के घर तक चला 30 मीटर। तो आपको बताना है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, आप उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था।
तो ठीक है, मैं मानता हूँ डिस्प्लेसमेंट तो शायद अब आप नहीं बता पाओ, लेकिन डिस्टेंस तो आप बता सकते हो कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। कॉमन सेंस, 20 मीटर और 10 मीटर यानी 30 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर यानी कितना मीटर, 30 मीटर उसने क्या कर लिया, डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। समझ में आया? ठीक है, डिस्टेंस तो ठीक है कि एक्चुअली में वो कितना चला, कितना पाथ था उसका, कितना रास्ता था उसका, वो सारा क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको दो पोजीशन चाहिए। सबसे पहले तो पहली पोजीशन चाहिए आपको जहां से आपने स्टार्ट किया, और उसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन। तो यहां से उसने स्टार्ट किया था, ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये है उसकी फाइनल पोजीशन। यहां पे उसने अपना रास्ता खत्म किया। हमको कोई मतलब नहीं कि वो बीच में दुकान पे रुका, कहां पे रुका, हमको सिर्फ दो पोजीशन चाहिए, इनिशियल और फाइनल। इन दोनों पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अब ये तो उसने लॉन्ग कट ले लिया ना, आपको शॉर्टकट ढूंढना है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, सीधा यहां से यहां इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच का गैप कितना है। समझ में आया? अब ये वाला गैप आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, अलग अलग शेप्स में अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो ना पाइथागोरस थ्योरम, वही है ये पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से आपको ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेनी है। समझ में आया? तो चलो निकाल ही लेते हैं। आप बोलोगे कि भैया ने करवाया नहीं, तो देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये तो हमको निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये हो गया 100 और ये हो गया 420 का स्क्वायर, ये हो गया 500, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया, अब स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी ये आ गया 500 और ये अंडर रूट मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना था, इतना था। समझ में आया? तो डिस्टेंस के लिए तो आपको पूरे रास्ते चलना है जैसे वो चला है, जहां जहां रुका है हर एक डिस्टेंस आपको प्लस करना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सीधा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बीच से हमको कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक चीज। अभी एक और चीज मैं आपको करवाता हूं, देखो नोट करते रहना डफरो, ठीक है, देखते मत रहना कहानी की तरह, फिजिक्स सही है, मैं यहाँ पे कोई कहानी नहीं सुना रहा तुम लोगों को। चलो देखो, अब मान लिया आप यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां पे पहुंचे, यहां से यहां पे पहुंचे, यहां से यहां पे पहुंचे और यहां से फिर यहां पे आ गया, पागल थे आप, एक जगह से घूमे और पूरा, चलो पागल नहीं थे, मान लिया आप जॉगिंग कर रहे थे एक पार्क में और आप ऐसे चले ऐसे चले, एक चक्कर काट के आप यहाँ पे पहुंच गए, थक गए आप, ठीक है, जहां स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गए, और ये था मान लिया 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, ठीक है, मीटर मीटर लिख देता हूं। अच्छा, ए पे चले, ए पे आके रुक गए, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखो मैंने कैसे किया, ठीक है। तो देखो, अब डिस्टेंस निकालना है आपको, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, सारे रास्ते प्लस कर देने हैं, तो 5 + 5 + 5 + 5 यानी डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है निकालना, 5 + 5 + 5 + 5 यानी 20 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस में तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट चाहिए, इनिशियल पॉइंट यानी जहां पे स्टार्ट किया, और फाइनल पॉइंट, खत्म कहां पे किया, यहीं पे तो खत्म कर दिया, तो ये फाइनल पॉइंट आ गया, यानी इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, और जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम ही हैं, यहां से हिला ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा,
जीरो मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, अगर चीज हिली है तो डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ ट्रेवल किया होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम टू सेम होंगे। समझ में आया, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगी या डिस्टेंस से छोटी होगी, लेकिन डिस्टेंस से बड़ी कभी नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डेफिनेशन ही बोलती है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से बड़ी कैसे हो सकती है वो। तो डिस्टेंस से हमेशा या तो छोटी होगी या बराबर होगी, लेकिन डिस्टेंस से बड़ी कभी नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट। तो चलो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ही ज़्यादा गंदी है, तो फिजिक्स तो मैं अच्छी करवा दूंगा, लेकिन राइटिंग की मैं थोड़ी गारंटी कम ही लेता हूँ अपनी, ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट करना मेरी राइटिंग के साथ। ओके, तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई बॉडी, किसी भी बॉडी द्वारा असली जो रास्ता पूरा का पूरा तय किया गया वो सारा का सारा मिला के क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो वहीं पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस किस के बीच में, बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, कॉमन सेंस है, अगर बॉडी हिली है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो जरूर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। और कब होती है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम टू सेम ही हो, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हो जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। मैंने फिजिक्स की सारी इंट्रोडक्शन उसमें दी थी और उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि स्केलर क्वांटिटी मतलब डिस्टेंस की सिर्फ वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर, तो हमको सिर्फ इससे मतलब है कि वो 5 मीटर है, इससे मतलब नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, कहां से कहां के, समझ में आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहां पे हमको ये भी मेंशन करना पड़ता है कि इनिशियल पोजिशन कौन सी है और कहां से उसने स्टार्ट किया। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन भी मेंशन की जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट दोनों का सेम होता है, एसआई यूनिट, क्योंकि दोनों लेंथ ही हैं तो दोनों का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। एसआई यूनिट दोनों का मीटर होगा, ठीक है। यूनिट्स तो बहुत होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेकिन मैं एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, जो हम स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉलो करते हैं फिजिक्स के अंदर, वो एसआई यूनिट्स ही होते हैं, तो वो मीटर होंगे दोनों के। समझ में आया आपको पक्का?
तो ये कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब जल्दी से मैं एक दो न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, ठीक है, भागना नहीं है, न्यूमेरिकल्स करके ही जाना है, तभी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। फिजिक्स पढ़ने का यही तरीका है कि आपको पहले तो थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है और फिर न्यूमेरिकल्स पे कमांड बनानी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट जरूर करो, मैं आपको कुछ सजेस्ट जरूर करूँगा वीडियो बना के, ठीक है। तो चलो देखो, इसके तो बहुत ईजी है वैसे न्यूमेरिकल, तो देखो मान लिया आप यहां से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया और ये एक सर्कुलर पाथ है, लेकिन आप पूरा पाथ नहीं चले, आप सिर्फ आधा ही पाथ चले, आप बी तक पहुंचे, ए से चले बी पे पहुंचे, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका रेडियस है और ये हमारी पहाड़ी हो रही है, ओके, ठीक है। तो ये है 7 मीटर, ठीक है, इसका रेडियस कितना है 7 मीटर। आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वीडियो को कर लो पॉज, कर लो ट्राई और फिर तो मैं करवा ही रहा हूं। तो देखो डिस्टेंस के लिए आपको चाहिए एक्चुअल पाथ, और पाथ है इसका ये, ऐसे दौड़ा वो यहां पर पहुंच गया यहां से, और ये है क्या, ये पूरा का पूरा अगर लेंथ होती तो यह होता था पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए 9th क्लास में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला होता है 2πr। तो अगर ये पूरा पाथ देखना है तब तो इसको पेरीमीटर बोलेंगे, लेकिन पूरा पाथ चला नहीं है, वो चला कितना है, वो ए से बी ही चला है, ए से बी चला है, ए से बी यानी पेरीमीटर का हाफ है। तो डिस्टेंस कितना होगा, हाफ ऑफ पेरीमीटर होगा, हाफ ऑफ 2πr होगा। तो देखो हाफ इंटू 2 इंटू पाई यानी 22/7 और r कितना है 7 है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 22 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे को इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए होते हैं, तो ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट, ये रहा मेरा फाइनल पॉइंट। अब इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ऐसे जाऊंगा तब तो लंबा पड़ेगा, लेकिन सीधा यहां से यहां चले जाऊंगा तब तो छोटा पड़ेगा, यानी ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट ए बी, ठीक है। अब ये कितना है, देखो यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है 7 और यहां से यहां भी क्या है 7, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां से यहां तक क्या आएगा, सर्कल का डायमीटर आएगा, रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना हो गया 14 मीटर, यानी आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 14 मीटर आ गई। तो ये तो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल। तो अब मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन जो आप ट्राई करोगे खुद से और फिर कमेंट में मेरे को आंसर बताओगे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का, ठीक है। चलो तो देखो, मान लिया एक मैं स्क्वायर वाला दे देता हूं आपको कि ए से चले सी पे पहुंचे, ये है 10, ये है 10 और ये है 10, ठीक है। ए से चले बी पे आए, बी से आप सी पे आए और सी से आप डी पे आए, मान लिया ए से बी, बी से सी और सी से डी पे आए, ये डी है, ठीक है, ठीक है। आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कमेंट करके आंसर जरूर बताना है, मैं उसका वेट करूंगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, मान लिया आप दौड़ लगा रहे हो, ठीक है, और आपने दो चक्कर काटे, दो राउंड्स लिए, कितने लिए, दो राउंड्स इस सर्कल के, इसका रेडियस मान लिया 35 मीटर है, दो राउंड लिए, तो आपको बताना है डिस्टेंस और फिर बताना है डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया। तो ये दो न्यूमेरिकल्स आप करोगे होमवर्क में, ठीक है, और मुझे आंसर करोगे सेंड कमेंट बॉक्स में, और नहीं आएगा तो फिर मुझसे पूछोगे भी, ठीक है। तो ये तो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो रिवाइज करते रहो, मेरी वीडियोज देखते रहो, और हाँ मैं जानता हूँ कि कुछ मेरी अभी क्योंकि स्टार्ट ही है अभी चैनल मैंने किया, तो थोड़ा
क्वालिटी के साथ थोड़ा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ करके ये सब कुछ करवाया है, और आई होप अगर आपका साथ रहा तो मैं क्वालिटी भी ज़रूर इम्प्रूव करूँगा, और रिविजन के टाइम में आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ प्रोवाइड कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच।